व्हाट्सअप इनसेन गैंग, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज आपका भाई एंडी उधर जा रहा है बाल कटवाने के लिए। मतलब आप साइड में से देख सकते हो, ट्रिमिंग की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे बड़े हो चुके हैं बाल, तो हेयर कट करवाने के लिए चलते हैं। और सामने के बाल भी आप देख सकते हो, मतलब ऊपर के बाल भी कितने लंबे हो चुके हैं, एकदम लंबे लंबे बाल। सो अभी इनकी कटिंग थोड़ी करवाने जा रहे हैं। बाकी का आज बहुत हटके कटिंग करवाने वाले हैं, अलग टाइप की कटिंग करवाने वाले हैं। मेरे को भी नहीं पता भाई कैसी कटिंग करने वाले हैं, बस उन्होंने बोला कि बहुत तगड़ी कटिंग करूंगा भाई, आ जाओ कुछ हटके करेंगे। तो मैं बस चलो तैयार हो गया कि भाई कुछ हटके होने वाला तो चलते हैं। तो अभी मेरे को भी नहीं पता कैसी कटिंग होने वाली है, अभी सीधा सैलों पे चलेंगे। सैलों पे चल के आप सब लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसी कटिंग होने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टा का हैंडल जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा हैंडल दिखा रहा होगा। जल्दी से चलते हैं, वहां पे चल के व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाइस, मैं आ चुका हूँ सैलों में, अर्बन गबरू सैलों में। हमारे साथ है अजहर भाई, और आजकल कुछ ज्यादा फंकी हो रहे हैं भाई। बिल्कुल भाई, क्या करें, बस मॉडल बन रहे अपने सैलों के, खुद ही मॉडल बन रहे, किसी और को मौका नहीं देंगे। नहीं, जब तक भाई हमारे साथ है ना तो कमी नहीं होने वाली किसी चीज की, क्योंकि मामला तो, पूरा एकदम सेक्सी है आज। तो भाई ये बताओ तुम करने के वाले हो, मेरे को इतने दिनों से बोल रहे हो कुछ तगड़ा करने वाला हूं। मैं बता रहा हूं, कसम से बताऊंगा नहीं, मैं जलजला उठ जाएगा। मतलब नहीं, क्या है, मोटरसाइकिल नहीं बेच रहे भाई। बट ये है कि इस बार कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मतलब देखते जाओ पूरा। और अभी से कुछ देर बाद आपको पता चलेगा भाई, फिर भी एक बार बता दो लोगों को ताकि इंटरेस्ट आ जाए लोगों को। सो हम भाई आज करने वाले, भाई पक्का बता दूं, देख लो, बता दो कुछ फायरिंग करने वाले, मतलब आग लगने वाली पूरे सालों में, और भाई के चैनल पे भी आग लगने वाली है। हम यहाँ पे मतलब फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब बिल्कुल सब मंगवा लिए भाई, पानी की बाल्टी रेडी है, मतलब ए टू जेड। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करो। So guys, अभी मैंने अपने फेस पे करवाया था स्क्रब और साथ में डिटेन, मतलब चेहरे पे ऐसा कर दिया इन्होंने ना, सेक्सी कर दिया हमने, और भाई का आग लगा दी मेरे चेहरे पे इन्होंने, मिट्टी का तेल छिड़क के बस, और कुछ फील नहीं हुआ मेरे को। बाकी का आपको मेरे व्लॉग में जब मैंने स्टार्ट करा था तो अभी मेन आग तो अभी लगेगी भाई, अभी लगी नहीं है आग, अभी लगेगी। पता नहीं क्या करने की बातें करे जा रहे हैं भाई। इनसेन गैंग, अभी आग लगेगी और ऐसी आग लगने वाली ना, मजा आएगा, वीडियो स्किप मत करना। इनसेन गैंग कुछ तगड़ा हेयर कट करने वाले हैं भाई आज। तो अभी आप देख सकते हो मेरा, जब मैंने व्लॉग शुरू करा था तो उस टाइम पे मेरा कैसा था मुंह और अब कैसा है, तो आप कमेंट करके बताना फर्क आया नहीं, क्योंकि शीशे में देखने में मेरे को एज यूजुअल लग रही है, अपनी शक्ल भुंडी सी जैसी रहती है। बाकी का आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरे चेहरे में कोई फर्क था या नहीं था। सो गाइज, अभी मैं दूसरी सीट पर आ गया हूँ, और अभी आप देख सकते हो पीछे से बाल काफी बढ़ चुके हैं साइड में से, मतलब ये मतलब होता क्या है, मेरी जो ग्रोथ होती है ना, होती है घुमरा ले बाल। किया जाए नेक्स्ट टाइम आपके बालों में, वो तो करेंगे, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो तो बताऊं मैं। तो भाई अभी फिलहाल हेयर कट। हुडी कैसी लग रही है, डिफॉल्टर वाली? बहुत ही जबरदस्त भाई, तेरा यार डिफॉल्टर पूरा, कहते ना जैसे कहते ना बैलेंसियागो, हाँ। वो फेल कर दिया भाई ने, भाई बस पता नहीं कुछ भी बात बोल देते हैं। चलो, सो अभी हम हेयर कट करवाते हैं जल्दी से, बाकी का फिर बाद में आपको दिखाएंगे कैसा हुआ है। ओ भाई, ओ, 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 अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? भाई फायर कट कर रहा था मैं तो। अरे भैया ये नहीं करवाना मेरे को भाई, एकदम अमेजिंग लगेगा यार। नहीं भैया, ये फायर कट वायर कट नहीं करवाने मेरे को। अच्छा, वो साइड में तो नॉर्मल बाल काट रहे हो? कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फायर कट का वो है बस, क्या नॉर्मल बाल काटने? नॉर्मल काटो, चलो नेक्स्ट टाइम करें भाई। फायर कट कैसे कहने वाले, करने वाले थे भाई? बिल्कुल इसे जला के करता हूं मेरे बालों पे ये लगाते। बिल्कुल भाई, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी हेयर कट करते हैं। गौरव यहाँ से रिकॉर्ड करवा है भाई, ये सब करना तो मेरे बालों में है, ये सब निकालना नेक्स्ट टाइम भाई, इससे भी कुछ तगड़ा होगा भाई। सिंपल बाल काट दो जैसे कटते हैं। बिल्कुल भाई, तो भाई सिंपल बाल काटे जाए भाई, तो आगे लगाने चलते हैं। नहीं नहीं भाई, ये सब मत करो। चलो भाई स्टार्ट करें फिर हेयर कट, जब इसीलिए कह रहे थे आग लगाएंगे। बिल्कुल भाई, यही आग लगने वाली थी भाई, भाई जला दिया ना इंसान गैंग को आज पूरा। आज इंसान गैंग सोच रहा होगा भाई, मैं सोच रहा हूँ ये यहाँ पे सिलेंडर कहाँ से चल रहा है।
सो गाइस अभी क्या हुआ कि मैं यहाँ पे बाल कटवाने के लिए बैठा था, भाई आज करने वाले थे, मेरे बालों में फायर कर दिया, मैं लग रहा था फोन में, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, भाई आप पीछे से आग लगा रहे हैं, जैसा मैंने बोला था वैसा गाइस मैंने कर दिया, आपको जो वादा किया था आग लगा दी गाइस, मैं बहुत ज्यादा डर गया, मेरे को लगा साइड में आग लग गई है, तुझे कैसा लगा सच बता, कुछ जहर लगा बहुत बढ़िया नहीं गाइस मैं तो डर गया, और मैं लिटरली बताऊं मेरे को मतलब इन चीजों के शौक नहीं है भाई, देखो शरीर के साथ सेफ रहना पसंद है भाई हमें, फायर कट करा के अच्छा लगेगा आपको, नहीं नहीं भैया करवाना ही नहीं है भाई, नहीं हमारे बुरे ही सही है भाई, बुरे ही सही है, कल को बोलोगे सिलेंडर पे बैठ जाओ शरीर बढ़िया लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नहीं नहीं नहीं, सो अभी क्या है हमने फायर कट का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं ये, वरना पहले पता होता तो भाई फायर एक्सटिंग्विशर बगल में रखे थे तो बच गए आपका, तो सही है ये टेस्ट कर रहे थे इन्होंने डायरेक्ट बालों में मारा भी नहीं, सो अभी क्या है नॉर्मल बाल कटवाएंगे जैसे अच्छे बच्चे कटवाते हैं, उसको कटवाने के बाद में अपने घर निकलेंगे भाई, करवा लिया हमने एकदम मस्त वाला, दिखने में एकदम बढ़िया लग रहा है मेरे को तो, बाकी का आप सब लोग कमेंट करके बताना बाल कैसे लग रहे हैं, बाकी का भाई आप बताओ अब भाई पहली बात तो भाई यार मेरे को तो तुम्हारी आ रही है, तुम तो मेरे बाल ही जलाने वाले थे भाई बाकी भाई ठंड बहुत हो रही थी, मैं सोच रहा था मामला थोड़ा गर्म हो जाए, नहीं नहीं भाई इतनी गर्मी नहीं, सही नहीं है, हुडी पहन रखी है बढ़िया वाली, गर्मी बढ़िया बना रखी है इसमें, बिल्कुल भाई बिल्कुल, तो भाई बाल कट चुके हैं, अब थोड़ा आप सब लोगों को एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ, कैमरे को जरा अपनी तरफ लेता हूँ फिर दिखाता हूँ, सो गाइज मेरे साथ में ये तीन भाई, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये आए हैं कोलकाता से, सो भाई टिकटॉकर हैं, ये इनके हैं कितने फैन थे भाई आपके, 370K, हाँ भाई के 4.4 मिलियन हार्ट्स हैं भाई, अब हम तो हमारे मुझे तो के निकलता है के आगे कभी कुछ देखा ही नहीं बाकी का मैंने भाई का काम देखा, बाल कटवा रहा था बहुत, मतलब इतना बढ़िया काम लगा मेरे को, बहुत जबरदस्त, बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं टिकटॉक पे, सही है भाई, और आप दोनों बनाते हैं भाई, नहीं मैं भाई का फैमिली समझो, ये भाई टीम के बंदे हैं, अरे सही है सही है भाई, भाई फ्रेंड अच्छा अच्छा बहुत सही काम कर रहे हैं भाई, और ऐसे ही करते रहो भाई, कोलकाता से दिल्ली आए, आगे चलने को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा भाई, भाई सब्सक्राइबर ही देखते रहते हैं वीडियो, बाकी का तो जो नए लोग देख रहे हैं अपना यूजर नेम बता दो भाई आप एक बार, ताकि लोग देख लें _MS01, हाँ बाकी का आपका मेंशन हो गया होगा अब तक, तो टेक्स्ट आ गया होगा तो आपको लोग कर लेंगे फॉलो। A few moments later. So guys, हम आ चुके हैं अभी कार में वापस, और कार में वापस मतलब मैं घर जा रहा था, लेकिन घर से जाते जाते मेरे को सड़क पे एक बंदा खड़ा हुआ मिला, और मेरे को लगा भाई ये तो पहचानने वाला बंदा, ऐसा नहीं है खैर सड़क पे खड़े हुए तो नहीं मिले, मिलना था हमें, और हमारे साथ हैं वो भी खोद देंगे, क्या हाल है, बढ़िया भाई बढ़िया, बढ़िया मौज चल रही है, कहाँ लक्ष्मी नगर में कहाँ घूम रहे हो भाई, भाई से मिलने आया था जतिन से, अच्छा मैंने कहा तेरे से मिलना है, तेरा घर भी आस पास है, दर्शन ही कहाँ दे रहा है, अरे अभी मैं भाई की वीडियो में आया था, जिसने नहीं देखी जल्दी जाओ SRV व्लॉग्स पे, हमने साथ में व्लॉग शूट करा था, थोड़ी टेक्निकल नॉलेज दी थी मैंने, ज्यादा टेक्निकल हो गई वो, वैसे सही था भाई व्लॉग अच्छा बना था, सही था, पता नहीं लोग भैंस क्या देख क्यों नहीं रहे यार, लोगों को ज्यादा नॉलेज पसंद नहीं है, देख लिया टेक्निकल नॉलेज लोगों को अच्छी लगती है, जब भी तो टेक चैनल छोड़ दिया भाई,